और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में जिस तरीके से कथित रेप और हत्या का मामला सामने आया, उससे लगातार लोग हैरान रह गए हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि पानी की पाइपलाइन का इस्तेमाल करके ये जो अक्यूज था वो हॉस्टल में दाखिल हुआ था। तो जो वाटर पाइपलाइन होती है उसके जरिए वो हॉस्टल के भीतर दाखिल हुआ था। उसके बाद आपको बता दें पहली मंजिल पर चढ़ा वो वाटर पाइपलाइन के सहारे। उसके बाद सीढ़ियों का सहारा लेकर वो उस फ्लोर पर पहुंचा जहां पर उसने पीड़िता के साथ 18 साल की जो मासूम थी, छात्रा थी, उसके साथ उसने घिनौनी हरकत की। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, लगभग 11:30 बजे की बात सामने आ रही है रात को, जब विक्टिम के कमरे के भीतर आपको बता दें वो घुसा था। तो पाइपलाइन, जो पानी की पाइपलाइन होती है, उसका सहारा लेकर पहली मंजिल पर, पहले फ्लोर पर पहुंचा। उसके बाद सीढ़ियों के सहारे उस फ्लोर पर पहुंचा जहां पर वो पीड़ित छात्रा ठहरी हुई थी हॉस्टल के जिस रूम में। ये बड़ा अपडेट इस बीच आ रहा है। हालांकि आरोपी की भी मौत हो चुकी है, ट्रेन से कूद कर वो अपनी जान दे चुका है। 2 दिन पहले ही आपको बता दें कि ये चौंकाने वाली घटना देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई थी, जहां पर सरकारी हॉस्टल में आपको बता दें छात्रा के साथ घिनौनी हरकत करने का ये पूरा मामला सामने आया था।